आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की। यूपी विधानसभा के 23 मई से शुरू होने जा रहे सत्र में काफी कुछ बदला नजर आएगा। इस बार न सिर्फ विधायकों की सीट निर्धारित होगी बल्कि सीट के साथ लगे मेज पर भी टैबलेट इंस्टॉल रहेगा। वहीं आज से विधानसभा पेपरलेस हो गई है जिसकी शुरुआत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने की। इस दौरान सीएम योगी ने लोकसभा अध्यक्ष का धन्यवाद दिया और पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने डिजिटल इंडिया पर जोर दिया है। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, आज ई विधानसभा का उद्घाटन हो गया, काफी चीजें बदली हुई नजर आई विधानसभा के अंदर। 2 दिन का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, किस तरह से अलग होने वाली है इस बार की कार्यवाही? जी शिखा, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 18वीं अगर देखी जाए तो 18वें मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ एक अलग तरीके से इस बार विधानसभा में सरकार का पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। आपको बताएं कि आज ई विधानसभा की शुरुआत की गई है और ई विधानसभा के माध्यम से जो तमाम कार्रवाई होती थी वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होगी। कहीं ना कहीं आपको बताएं कि जो सीटें हैं वो सभी विधायकों के लिए सीट निर्धारित कर दी गई है और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को हर एक मेजों पे लगाया गया है। वहीं आपको बताएं कि जैसे लोकसभा के अंदर में जगह बैठने की सबकी सुनिश्चित होती है, वैसे इस बार सभी बेंचों पे सबके नेम प्लेट लगाए हैं। साथ ही साथ टैबलेट में पासवर्ड और उसकी लॉगिन आईडी भी रखी गई है जिससे विधायक लॉगिन करके विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा ले सकेंगे। वहीं आपको शिखा बताएं कि आज सुबह 11 बजे ई विधानसभा की शुरुआत की गई है जिसमें लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला मौजूद रहे। वहीं आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत सूबे के नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि जिन सीटों पर विधायक की बैठने की बात कही जा रही है ये पहले 3379 हुआ करते थे, मगर अब इसको बढ़ाकर 403 कर दिया गया। अब 403 सीटों पर जो डिजिटल गैजेट्स हैं उससे लैस कर दिए गए हैं और डिजिटल तरीके से पूरी कार्रवाई होगी। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये पहली बार ई विधानसभा होगा जिसके चलते जो भी कार्रवाई है उसके सॉफ्ट कॉपी भी सभी विधायकों की दी जाएगी। और वहीं अगर देखा जाए तो 403 विधानसभा जो कि देश की सबसे बड़ी अगर विधानसभा है तो वो उत्तर प्रदेश की है, तो इसमें दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग आते हैं जो टेक्निकली इससे मजबूत नहीं होते हैं, तो उनको लिए भी आज जब ई विधानसभा की शुरुआत की गई तो नेवा का शुभारंभ किया गया। नेवा यानी कि नेशनल ई विधानसभा एप्लीकेशन, ये पूरे जो विधानसभा की सत्र होगी इसमें टेक्निकल साथ ही साथ है जो अगर देखें तो साइबर कंट्रोल को लेकर ई विधानसभा की नेवा टीम काम करेगी, उसकी भी आज शुभारंभ की गई है। जो टैबलेट में फीडिंग होगी उससे संबंधित जिन विधायक गण को अगर दिक्कत होती है तो वो नेवा से मदद लेकर और टेक्निकली सपोर्ट कर सकेंगे। वहीं आपको बताएं कि मुख्यमंत्री की तरफ से आग्रह किया गया विधायक गणों को कि आप अपने जो जानकार हैं वो आपके पीएस हैं उनसे टैबलेट से संबंधित बारीकियों को सीखें। वहीं आपको बताएं कि जो प्रश्न होगा साथ ही साथ जवाब होगा वो भी टैबलेट के ही माध्यम से, अगर कोई विरोधी दल का नेता सवाल पूछता है तो उस विभाग से संबंधित अगर कोई मंत्रीगण है तो वो भी टैबलेट के माध्यम से ही जवाब देंगे। वहीं शिखा आपको बताएं कि विधानसभा सत्र का शुभारंभ जो आज किया गया है इससे पहले इसको नागालैंड में किया गया है और नागालैंड में सबसे पहले देश में इसकी शुरुआत की गई थी, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारत के अंदर में उत्तर प्रदेश जहाँ सबसे ज्यादा विधानसभाएं हैं तो वहाँ पे लागू करना सरकार के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है। वहीं आपको बताएं कि अब विधानसभा का सत्र 23 से शुरू हो रहा है और कल से विधायकों की जो कार्रवाई है जो कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, इसको लेकर ट्रेनिंग भी दी जाएगी देश का। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता विभांशु मणि त्रिपाठी जुड़े थे।
ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। ज्ञानवापी में जुमे की नमाज के लिए भीड़ उमड़ी। पहले वहां 30 लोगों की नमाज पढ़ने की जानकारी थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि मस्जिद में 700 नमाजी पहुंचे हैं। इसके बाद मस्जिद के गेट को बंद कर दिया गया है। बता दें कि जुमे की नमाज के चलते सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं मामले में सियासी बयानबाजी भी तेज हो चली है। इस मामले में प्राइम टीवी से बीजेपी सांसद अरविंद कुशवाहा ने खास बातचीत की है, आइए आपको सुनाते हैं। फुल हो चुकी है मस्जिद इंतजामिया कमेटी का ऐलान है और किसी मस्जिद में जाके आप लोग नमाज पढ़े। कोई भी आदमी रोड पर ना खड़ा रहे, जाके नमाज पढ़े दूसरी मस्जिद में, नमाज छूट जाएगी आप लोगों की। दूसरी मस्जिद में जाइए, नमाज पढ़िए, रोड पर जा जाइए आप लोग। 100% समाज नहीं मानता, समाज कोई भी हो, किसी का हो, किसी भी धर्मगुरु की अपील पर 100% अमल नहीं होता। देखने वाली बात यह है कि जो लोग आए हैं वो किस मुद्रा में आए हैं। तो नमाज के लिए आए थे, मना किया गया तो शांतिपूर्वक वापस जा रहे हैं। ये असली सर, अपील जो की गई है आपके द्वारा, जो अपील की गई है उसके बाद बहुत शांति यहाँ पर देखने को मिली है। जो लोग दूसरी मस्जिदों में जाना चाहते हैं, आपने कहा वो लोग शांति से जा रहे हैं, वो जा रहे हैं और मैं उनका थैंकफुल हूँ। अब देखिए मुख्तलिफ आयोजन होते हैं, नहीं बहुत सारे पूजा के अवसर, बहुत सारे पूजा के अवसर आते हैं, श्रद्धालुओं की भीड़ अप्रत्याशित होती है, तो उस पर भी हमें कोई आपत्ति नहीं होती। एक सवाल मेरा ज्ञानवापी को लेकर के है। अभी अखिलेश यादव का एक बयान आया है, उन्होंने एक बयान दिया है कि भारत में पीपल के पेड़ के नीचे लाल झंडा लगा दीजिए, पत्थर रख दीजिए, टीका लगा दीजिए, मंदिर बन जाता है। ज्ञानवापी जैसे मुद्दे जो हैं वो बीजेपी जानबूझ के भड़का रही है ताकि हिंदू मुस्लिम में सौहार्द ना बना रहे। उन्हीं के एक सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क, उनका भी एक बयान आया है कि अगर इस बार बाबरी की तरह ज्ञानवापी में भी कुछ विवाद होता है तो हम एक नई प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग किस तरह की ये उन्होंने नहीं बताया, और ओवैसी भी इस पर काफ़ी अडिग हैं, वो कह रहे हैं हम इस बार एक इंच ज़मीन नहीं देने वाले। ज़मीन तो उनके पिताजी की है नहीं, मैंने पहले कहा है ओवैसी की ज़मीन नहीं है। और दूसरी चीज़ जो अखिलेश जी ने कहा है कि कहीं भी लाल झंडा लगा करके और एक पत्थर लगा के और पूजा शुरू हो जाती है, तो उनको इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि सड़क के किनारे हरा झंडा लगा करके एक मजार बना करके लोहबान सुलगाना शुरू करके और वहाँ पर नमाज पढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये भी उनके ध्यान में आना चाहिए, केवल हिंदू धर्म पर नहीं आना चाहिए। कि पता नहीं क्यों आपने को हिंदू मानते भी हैं कि नहीं है, वो हिंदू हैं भी कि नहीं है हमको नहीं पता चलता है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने एक तरह से हिंदू धर्म की एक हम कह सकते हैं कि उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया है ऐसा कोई हिंदू नहीं कर सकता है। हम लोग हिंदू हैं, हिंदू धर्म में पैदा हुए, हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं और ये धरती हमारी हिंदुओं की धरती है। और सही है कि जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो बंटवारा हुआ हिंदुस्तान का 1947 के बाद और धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, मुस्लिम और हिंदू के नाम पर बंटवारा हुआ, पाकिस्तान मुस्लिम को दिया गया, हिंदुस्तान हिंदुओं को दिया गया, तो ये तो सीधी सी बात है, ये तो शरणार्थी हैं, यहाँ हैं ठीक है, सारा अधिकार उनको संविधान ने दिया है, वो बराबरी का हक है उनका, सब लोग मानते हैं, कोई इससे मना नहीं करता है। लेकिन भाई कम से कम जितने आपके आक्रांता थे, जो आक्रांता थे, जो विदेश से आए हिंदुस्तान पर आक्रमण किया, यहाँ के लोगों को मारा काटा, बेइज्जत किया, महिलाओं को बेइज्जत किया, ऐसे आक्रांताओं को आप अपना पूर्वज मानते हैं और उनको कभी ये नहीं दे, केवल उनको भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में जहाँ उनकी जन्मभूमि है वहीं उनकी मस्जिद बनेगी, अयोध्या में जहाँ राम जन्मभूमि है वहीं उनकी मस्जिद बनेगी, और काशी विश्वनाथ जी का जो भगवान का मंदिर वहीं उनकी मस्जिद बनेगी। हिंदुस्तान में और कहीं जगह नहीं थी उनको मस्जिद बनाने के लिए। तो आज ये पुराने जो पाप किए गए थे और जो आक्रमण थे उसको सुधारने का मौका है और वो सुधारा जा रहा और तथ्य के आधार पर सुधारा जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी नहीं सुधार रही, हिंदुस्तान का सर्वोच्च न्यायालय इसको सुधारने का काम कर रहा है। ठीक है, धन्यवाद सर बात करने के लिए। रविंद्र कुशवाहा जी थे बीजेपी के सांसद, साफ तौर पर कहना है कि आजम खान जेल से बाहर तो आ गए हैं लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में उसका कोई असर नहीं होने वाला। हम एक बार फिर से 24 में बड़े अंतर से जीत दर्ज करने वाले हैं। और ज्ञानवापी मस्जिद पर उन्होंने बोलते हुए ये भी कहा है कि ये जमीन किसी के भी पिता की नहीं है, जैसा कि
असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया था, ये एक बड़ा बयान है, और साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय इसमें पूरी तरह से नजर बनाए हुए, फैसला सबके हित का ही होगा। कैमरा पर्सन शुभम के साथ मैं नितिन प्राइम। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, ज्ञानवापी का मुद्दा जिस तरह से गर्मा रहा है और आज भी नमाज के लिए जिस तरह से कम लोगों को अनुमति दी गई थी लेकिन वहां पे भारी भरकम भीड़ देखने को मिली है, क्या कहेंगे? जी शिखा, जहां ज्ञानवापी मस्जिद मामला धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है, वहीं आपको बताया कि जहां एक तरफ कोर्ट में सुनवाई हो रही है तो वहीं आज जुमे के दिन ज्ञानवापी मस्जिद परिषद में आज आपको बताएं कि 1200 लगभग लोगों ने नमाज अदा की है। वहीं आपको बताएं कि जो मस्जिद प्रशासन है, अंजुमन इंतजामातिया मस्जिद कमेटी के जो सदस्य हैं उनकी तरफ से कहना है कि पहले जो यहां लोगों की व्यवस्था है, जो क्षमता है ज्ञानवापी मस्जिद का, वो 400 का है, मगर आज आसपास के सभी मस्जिद के लोग नमाज पढ़ने यहाँ मौजूद हो गए, जिसके बाद आपको बताएं कि जब 1200 के करीब लोग पहुंचते हैं उसके बाद मस्जिद प्रशासन की तरफ से अनुरोध किया जाता है कि आप अन्य जगहों पर पास के जो मस्जिद है वहां जाकर अपनी नमाज अदा करें, नमाज का वक्त ख़त्म हो रहा है। वहीं आपको बताएं कि नमाज के दौरान जो मुख्य मंदिर दरवाज़ा है, ज्ञानवापी मस्जिद और बाबा विश्वनाथ मंदिर का जो समीप दरवाज़ा है, उस पर पूरे प्रशासन की टीम को मुस्तैद किया गया था और आपको बताएं कि पूरे चक्र आकार में पूरे सुरक्षा का इंतजाम किया गया था। साथ ही साथ वजूखाना जो कि कोर्ट के आदेश के बाद सील किया गया है और शौचालय को सील किया गया है, जिसमें प्रशासन की तरफ से अस्थायी रूप से वहां ड्रम में पानी रखकर वजू का जो प्रक्रिया है उसे पूरा कराया गया। वहीं आपको बताएं कि जहां एक तरफ मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि ये शिवलिंग नहीं बल्कि फुहारा है, तो वहीं जो हिंदू पक्ष है वो शिवलिंग कहकर अभी अड़ा हुआ है और मामला अब कोर्ट को तय करना है कि क्या है, और तमाम वीडियोग्राफी एवं जो तमाम दस्तावेज है उसके बाद फैसला आना है। वहीं शिखा आपको बताएं कि एक तरफ जहां मुस्लिम पक्ष है उनके तरफ से कहा यह जा रहा है कि रिपोर्ट लीक होने के बाद सामाजिक सौहार्द जो है वो बिगड़ने की आशंका है और कोर्ट से गुजारिश किया गया है कि इस पे कंट्रोल करके और जो गैर जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई करें। वहीं आपको बताएं कि ज्ञानवापी मस्जिद परिषद जो पूरे मामले की निगरानी अब जो सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ लोअर कोर्ट भी कर रही है। वहीं आपको बताएं कि इनके जो बनारस सिविल कोर्ट है उनका भी पक्ष जाना गया है और साथ ही साथ अब आगे सुनवाई जारी है। जी शिखा जी, विभांशु, बीजेपी सांसद अरविंद कुशवाहा ने भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है, साथ ही साथ जिस तरह से ओवैसी का बयान आया और अखिलेश का बयान आया उसमें भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने जिस तरह से आरोप लगाया कि कुछ भी विवादित बयान देते अखिलेश और साथ ही किसी की जमीन नहीं है, वो चाहे ज्ञानवापी हो या फिर कोई भी हो, इसको किस तरह से देखते हैं? सांसद अरविंद कुशवाहा के बयान को किस तरह से देखते हैं? जी बेशक अगर देखा जाए तो वो उनका व्यक्तिगत बयान है, वो खासतौर पे अगर देखे तो वो अखिलेश यादव के दिए बयानों पे उनका ये उस बयान का जो उनके जवाब दिया है, और साफ तौर पे अगर देखा जाए तो वो बयान से साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि आप जो जमीन की बात हो रही है तो वो किसी की बपौती नहीं है बल्कि वो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हिंदू पक्ष का है, ऐसा सांसद की तरफ से कहा जा रहा है। जिसका जी लगातार बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो गया है क्योंकि आस्था से जुड़ा हुआ तो है ही लेकिन राजनीतिक रूप भी देखने को मिल रहा है ज्ञानवापी मामले में, क्या कहेंगे? क्या इस पे राजनीति सही है? जी बेशक अगर देखा जाए तो 2024 चुनाव नजदीक है और सभी पार्टियां जो मामले होते हैं उसमें अपना राजनीतिक लाभ लेकर काम करती है, ऐसा पिछले दिनों में देखा गया है। तो हो सकता है कि अगर इस पे हम कोर्ट नहीं करते हैं मगर ऐसा होता है कि राजनीतिक मुद्दों को बनाकर अपने वोट बैंक में बढ़ोतरी को लेकर तमाम राजनीतिक दल चाल चलते हैं, मगर ये मामला कोर्ट का है और कोर्ट को निर्णय करना है कि फैसला वो क्या देंगे। उनकी तरफ से तमाम जो सर्वे है साथ ही साथ दस्तावेज है उसको खंगाल कर कोर्ट इस पे फैसला लेगा, मगर अगर देखा जाए तो मुस्लिम पक्ष के साथ कहीं ना कहीं जो AIIM प्रमुख है AIIM पार्टी के उनकी तरफ से मुस्लिम पक्ष का पूरा एकदम देखा जाए तो वो मस्जिद को बचाने के लिए उनकी तरफ से कहा जा रहा है, जैसे बाबरी शहीद हुई वैसे अब RSS की ये चाल है। तो वहीं हिंदू पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि
आप बाबा विश्वनाथ के मंदिर के गौरी श्रृंगार मंदिर को जो औरंगजेब शासक थे उनकी तरफ से कब्जा करके उसे मस्जिद का रूप दिया गया है, इस बातों को हिंदू पक्ष कह रहा है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो राजनीतिक लाभ लेकर सभी पार्टियां इस पे अपना बयान दे रही हैं, मगर ये मामला कोर्ट का है और कोर्ट को तय करना है फैसला वो क्या देगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे संवाददाता विभांशु जुड़े थे। तो अब राजनीतिक रूप भी देखने को मिल रहा है ज्ञानवापी मामले में, जो कि अब कोर्ट में चल रहा है, वो चाहे वाराणसी कोर्ट में हो या फिर सुप्रीम कोर्ट में हो, लेकिन इसमें बयानबाजी अभी तेज हो गई है। रुक करते हैं अगली खबर का। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान आज 27 महीने बाद जेल से रिहा हो गए हैं और वो सीतापुर जेल में काफी समय से बंद थे। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव आजम खान के दोनों बेटे अब्दुल्ला और अदीब उन्हें लेने सीतापुर जेल पहुंचे, जिसके बाद जेल से निकलकर आजम खान सबसे पहले पूर्व विधायक अनूप गुप्ता के घर पहुंचे, जहां से उनका काफिला रामपुर के लिए रवाना हुआ। आपको बता दें कि आजम खान को सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई को अंतरिम जमानत दे दी थी। शाम 5:30 बजे तक आजम की रिहाई के आदेश की सर्टिफाइड कॉपी जेल तक नहीं पहुंच पाई थी, इसलिए वो कल रिहा नहीं हो पाए थे, आज सुबह उनकी रिहाई हुई। इस खबर में हमारे साथ संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। गौरव, आज रिहाई हो गई है, काफी खुशी की लहर देखने को मिल रही है सपा नेताओं के बीच, जितने भी शुभचिंतक हैं आजम खान के, तो क्या कुछ अलग देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब जेल से तो बाहर आ गए हैं लेकिन अभी भी बाइज्जत बरी नहीं हुए हैं, कई मुकदमे हैं जिसके चलते उन्हें कोर्ट के चक्कर, थाने के चक्कर लगाने ही पड़ेंगे, क्या कहेंगे? प्रक्रिया है सिखा और 89 मुकदमे हैं, तो अब कोर्ट में सुनवाई चलती रहेगी और फैसला धीरे धीरे हर मामले में आएगा, किसमें बाइज्जत बरी होते हैं और किसमें वो दोषी पाए जाते हैं, वो तो कानूनी प्रक्रिया है। पर जिस तरह से 27 महीने बाद आजम खान रिहा हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, तो ये अपने आप में उनके समर्थकों में खुशी की लहर है और जिसके चलते जगह जगह उनका स्वागत किया गया और सैकड़ों गाड़ियों का काफिला उनके साथ था। मैं आपको बता दूँ, जेल से रिहा होने के बाद सबसे पहले वो वहाँ के विधायक अनूप गुप्ता उनके घर गए, जलपान किया, उनसे मुलाकात की, साथ उनके साथ बड़ी संख्या में लोग थे। और अगर मैं बात करूँ तो शिवपाल सिंह यादव जो प्रसपा के प्रमुख हैं, वो उनकी अगुवाई के लिए वहाँ पर गए थे और एक अलग प्रकार का माहौल देखने मिला, क्योंकि 27 महीने के बाद, लंबे संघर्ष के बाद, तमाम तरह के पैच रखे गए, उसके बाद उनकी रिहाई हुई है, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत विशेष शक्तियों का उपयोग करते हुए उनको अंतरिम जमानत दी थी, जिसको लेके आजम खान के समर्थकों में खुशी की लहर थी और खुशी के लहर के बाद आज वो रवाना हुए हैं अपने रामपुर के लिए, रामपुर पहुंच चुके हैं। और जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है, बड़े नेता के रूप में छवि है उत्तर प्रदेश के, बड़े नेता के रूप में आजम खान जाने जाते, तो कहीं ना कहीं अब समर्थकों में एक राहत की सांस भी होगी और आने वाले समय में आजम खान क्या करते हैं, किस तरफ जाते, ये भी बड़ा एक प्रश्न आने वाले समय में देखने वाला होगा। जी गौरव, ऐसा कहा जा रहा था कि कोर्ट से कहीं ना कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, टाली जा रही है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई थी कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जमानत दी गई है और कहीं ना कहीं सरकार को भी बीच में लाया जा रहा था कि सरकार नए नए मुकदमे लगाकर आजम खान को बाहर नहीं आने देना चाहती है, लेकिन जब वो अब बाहर आ गए हैं तो ये जो बातें कही जा रही थी उनका क्या, वो क्या गलत साबित हो रही है और जिस तरह के मामले उनके ऊपर दर्ज थे उसके बारे में भी जानकारी चाहिए। जी शिखा, मैं आपको बता दूँ, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, पर यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है, जब कोई भी मुकदमा दर्ज होता है तो उसके पहले जांच होती है, खासतौर से सिविल के जो मुकदमे होते हैं जांच होती, जांच पर मुकदमा दर्ज होता है, तो अगर उसको राजनीतिक कहा जाए वो तो विपक्ष और पक्ष के आरोप होते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि आरोप जब कोई भी बड़ा नेता जेल में होता है तो निश्चित रूप से विपक्ष जो होता है वो कहता है इनको जानबूझ के इनको अंदर किया गया है और जानबूझ के जेल में निरुद्ध है। पर यहाँ पर व्यवस्थाएं दूसरी हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रक्रिया है और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को लटाड़ भी लगाई थी यहाँ पर कि 137 दिन के बाद ही फैसला सुरक्षित रखने के बाद भी आप फैसला नहीं सुना रहे हैं, उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, कपिल सिब्बल की तरफ से बड़ी दलीलें यहाँ पर पेश की गई थी, जो कि आजम खान के वकील है, तो उन्होंने कहा था कि जानबूझ के इनको भटकाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, और इसके अलावा तमाम तरह के आरोप भी लगाए गए, सरकारी वकील ने भी आरोप लगाया था कि लगातार इस जांच अधिकारी को धमकी दे रहे थे, इस तरह के मामले आते रहते हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस तरह की बातें होती रहती हैं, पर चूंकि हाईकोर्ट को यहाँ पर निर्णय देना चाहिए था और हाईकोर्ट लगातार कोताही बरतता है, इसलिए इस मामले में हम सुनवाई कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत विशेष शक्ति का उपयोग करके आजम खान को कल अंतरिम जमानत दी थी और आजम खान आज रिहा हो गए हैं और रामपुर पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़े हुए थे।
खबर आई बरेली से है, जहां नीय तहसील क्षेत्र स्थित बसैया में एक ऐसा भ्रष्ट कोठीदार है जिसके भ्रष्टाचार की जांच कर उसकी राशन की दुकान को निलंबित करने के बाद भी उच्च अधिकारियों द्वारा निरस्त भले ही कर दिया गया, लेकिन डीएम के आदेश पर मामले की एसडीएम सहित अन्य अधिकारियों की टीम सहित जांच के दौरान अधिकारियों की मौजूदगी में ही कोठीदार की भ्रष्ट कार्यशैली की पोल खुल गई है। ग्रामीणों को बयान देना इस कदर महंगा पड़ गया कि निरस्त कोठीदार अपनी दबंगई दिखाता हुआ नजर आया, पक्ष में बयान देने का दबाव बनाकर ग्रामीणों को जमकर पीटा है। मामला कोठी की जांच पहले जांच हुई थी, उन्होंने नहीं माना, पुनः दोबारा जांच का कोटा पहले निरस्त हो चुका था, कोटा अंत चल रहा था, जांच से संतुष्ट नहीं था, उसके बावजूद आज जांच कराया गया तो एसडीएम मौके पर मौजूद था, हम लोग गवाही दे रहे थे, इसके कहने का मतलब था कि हमारे पक्ष में गवाही हो, लेकिन उन्होंने नहीं मानी, हम लोग को मारना पीटना चालू कर दिया, हमारे जो दादा के लड़के थे और जो मेरे गाँव के लड़के मारना पीटा। तो कोठेदार की दबंगई देखने को मिली है रायबरेली से, खबर सामने आ रहा है जहां कोठेदार के ऊपर पहले कार्रवाई करी गई, उसको जब उसके पक्ष में बयान लिया जा रहा था, जब उसके कोठेदार के खिलाफ बयान लिया जा रहा था, तो ग्रामीणों के ऊपर बरसते हुए नजर आया कोठेदार। और इस खबर में हमारे साथ रायबरेली से संवाददाता अजय प्रताप सिंह देखने को अजय प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं। अजय, जिस तरह से दबंगई देखने को मिल रही है कोठेदार की, क्या कहेंगे, पूरा मामला क्या है? जैसे आपको बता दूं कि ये रायबरेली जनपद के सलोन थाना क्षेत्र के बिसैया का मामला है, जो कि 2 वर्ष पूर्व कोटेदार का जो कोटा था वो ग्रामीणों की शिकायत पर निरस्त हो गया था, क्योंकि हटौली का मामला था और 3/7 में जो है मुकदमा चल रहा था, कमिश्नर कोर्ट में मुकदमा चल रहा था जिसका जांच के आदेश थे, और जांच जो है करने के अधिकारी पहुंचे तो उसको लेकर जो विपक्षी थे, शिकायतकर्ता थे, उनसे गवाह के रूप में पूछा जा रहा था, उसी में आपस में दोनों में कहा सुनी हुई, उसको लेकर बात बिगड़ गई और दोनों ही पक्ष आपस में इतने लड़ने लगे। जी, किस किस तरह के आरोप लगे हुए इस कोठेदार के ऊपर अजय? अजय, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बताएं। जी अजय, कौन कौन से मुकदमे अभी तक इस कोठेदार के ऊपर है, किस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं इस कोठेदार पे? इनके कोठेदार के ऊपर आरोप घटतौली के हैं, जो लगातार 2 साल करते आए हैं ये, और उस शिकायत के उसमें जो है 3/7 के विरुद्ध मुकदमा लिखा गया था शिकायतकर्ता के, जो शिकायतकर्ता थे उनके उस पे, और जो उसी के जांच को लेकर कल विवाद हुआ है, क्योंकि जो शिकायतकर्ता है उनको गवाही में रखा गया था, वो गवाह जो वहां बैठे थे, और उसके बाद जो है लगातार जो बवाल हो रहा था उस पे पुलिस प्रशासन मौके पहुंची है, जिसको लेकर सभी लगभग 5 लोगों को शांति भंग में 5 लाख का बाउंड देकर जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता रायबरेली से अजय जुड़े थे। चार बजे की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।